हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, झारखंड के 2 जिलों से विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकल कर आई हुई है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि इसी तरह का यूजफुल नोटिफिकेशन आपके पास लगातार पहुँचता रहे। दोस्तों, यह जो वैकेंसी है आप देख रहे हैं, यह आपका उच्च विद्यालय हेसला बगोदर गिरिडीह से निकाला गया वैकेंसी है। यहाँ पर देख सकते हैं 3 नंबर भी दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं उच्च विद्यालय हेसला बगोदर गिरिडीह में बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति हेतु दिनांक 31/8/2024 तक आप स्पेट पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि सब्जेक्ट की बात किया जाए तो भूगोल के लिए 1 रहेगा और खोठा के लिए 1 रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं नोट में क्लियर पॉइंट कर दिया गया है कि एसटी एससी फीमेल अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दिया जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा एवं संस्कार की सूचना मोबाइल फ़ोन के माध्यम से दिया जाएगा। आवेदन शुल्क आपका जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 1000 और एसटी एससी के लिए 7 है। आवेदन शुल्क कार्यालय में आपको नगद जमा करना पड़ेगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं स्कूल का नाम उच्च विद्यालय हेसला बगोदर गिरिडीह में, यह आपका प्रभात खबर में वैकेंसी निकाला गया था। दोस्तों, यह वैकेंसी आपका देवघर जिला से वैकेंसी निकाला गया है। देख सकते हैं उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय देवघर यहां पर क्लियर कर दिया गया है। जिला समाज कल्याण शाखा के द्वारा यहां पर वैकेंसी निकाला गया है। नेक्स्ट यहां पर देख सकते हैं कि यहाँ मिशन वार्षिक के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई देवघर जिला स्तरीय पदों तथा यहाँ देख सकते हैं जो पद रहेगा आपका सामाजिक कार्यकर्ता का रहेगा, सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं जो कि 1 वर्ष के अनुबंध पर आपका नियुक्ति के लिए यहाँ पर आवेदन मांगा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जो है इसको आवेदन को रजिस्ट्री डाक के या फिर स्पीड पोस्ट या कुरियर के माध्यम से जिला समाज पदाधिकारी कल्याण पदाधिकारी देवघर को भेज सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि सामाजिक कार्यकर्ता का 1 ही पद है, सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 ही पद है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोनों आपका जनरल के लिए ही यहाँ पर दिखा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि पद का नाम में आप देख सकते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता का जो उम्र सीमा रहेगा 30 से 45 वर्ष रहेगा। क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो सामाजिक कार्य या सामाजिक विज्ञान में या समाज शास्त्र में स्नातक की डिग्री होना चाहिए और साथ ही साथ कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और एक्सपीरियंस कैंडिडेट को यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं वेतन आपको 18,536 रुपया दिया जाएगा। सहायक सर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपका 21 से 35 वर्ष यहाँ पर बोल दिया गया है। क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो आपका 12-29 होना चाहिए और कंप्यूटर व डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस भी यहाँ पर बोल दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं वेतन आपको 11,916 रुपया दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो पद है स्टार्टिंग में आपका 1 वर्ष के लिए रहेगा और समय समय पर आपका 3 वर्ष तक सेवा दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यह उम्र की गणना की बात किया तो 1/8/2024 से किया जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, पासपोर्ट साइज का आपका रंगीन फोटो होना चाहिए आवेदन पत्र के साथ, जाति प्रमाण पत्र, नियोजन हेतु निवासी प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता अनुभव प्रमाण पत्र के 6 प्रति जिसमें सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर भी सारा डिटेल देख सकते हैं, devghar.nic.in पर सारा डिटेल देख सकते हैं। नियुक्ति का जो प्रक्रिया रहेगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि अनिवार्य योग्यता प्राप्तांक के प्रतिशत का 60% यहाँ पर होगा, अनुभव आपका 20, टोटल 80 नंबर के यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, आप जो आवेदन है 24/8/2024 को संध्या 5 बजे तक यहाँ पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी देवघर के नाम से जिला समाज कल्याण कार्यालय देवघर में भेज सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड के साथ मैट्रिक का होना चाहिए, इंटर का, स्नातक का, और यहाँ पर स्थानीयता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र और कंप्यूटर से जो भी आप सीखे हुए हैं उसका प्रमाण पत्र। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, यहाँ पर फोटो चिपकाना पड़ेगा। और नेक्स्ट यहाँ पर सारा को फिलअप करते हुए आपको दिए गए पते पर समय अनुसार आपको भेज देना है। यहाँ पर देख सकते हैं डिक्लेरेशन है, यहाँ पर सिग्नेचर करना पड़ेगा।